आज के इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग देखने वाले हैं एक 1,05,000 रुपए का पीसी बिल्ड, सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज वीडियो एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू मॉडेस्ट वीडियोस, मेरा नाम है सार्थक। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करा हमारे आदर्श भाई ने, जो कि रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो वहीं पर हम लोग इस पीसी को शिप करने वाले हैं। बाकी गाइस ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। आपको ईएमआई पर बाय करना हो वो भी हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी पर अगर आपको पीसी बाय करना हो तो आप सीओडी पर भी पीसी को बाय कर सकते हो। आप हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो, आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से गाइड कर देंगे, चाहे पीसी के रिगार्डिंग बात करनी हो या फिर कोई भी आपके डाउट्स हो। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403890290 पर वाले नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो। नीचे वाले नंबर पर सिर्फ जो कॉलिंग अवेलेबल है एंड हमारी सेल्स टीम आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी आपको कराना चाहिए। बाकी आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कि modexpronouns.com, वहां पर आपको कस्टम पीसी करके ऑप्शन मिल जाता है। अपने हिसाब से वहां पर पार्ट्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वेबसाइट से तो ऑर्डर प्लेस कर ही सकते हो। चेकआउट वाले पेज पे आपको कैश ऑन डिलीवरी करना हो वो सभी ऑप्शंस आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, या फिर 10% पे करके पीसी की बुकिंग कर रही हो, सारे ऑप्शंस आपको वहां पर मिल जाते हैं। सो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी ऑफलाइन आकर के पीसी बिल्ड कराना चाहते हो सो गाइस आपको नेहरू प्लेस के अंदर हमारा स्टोर देखने को मिल जाएगा, 8098th floor भंडारी हाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। हमारे ऑफलाइन स्टोर पर आए, अपने पीसी बिल्ड कराए, एड्रेस गूगल लोकेशन लिंक सब कुछ गाइस आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलो भाई शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। 1,00,000 रुपए के बजट के हिसाब से इस समय i5-13400F एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको अच्छे खासे कोर एंड थ्रेड काउंट भी चाहिए येट आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए तो 13400F 10 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में यहाँ पर आता है, बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। गेमिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत यहाँ पर एडिटिंग जैसा इस टाइप का भी काम करते हैं तो मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। आपका ये जो मदरबोर्ड इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पेयर करा है, सदा बाहर काफी बढ़िया काफी सारे पीसी बिल्ड्स में यूज करा है। MSI की तरफ से उनका प्रो B760MA वाईफाई जो कि DDR5 मदरबोर्ड है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों को यहाँ पर ही सपोर्ट करता है। और अब 1,00,000 रुपए के आसपास के जो पीसी बन रहे हैं वो अब टोटली मैंने देखा है कि यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं DDR5 सेगमेंट के ऊपर, तो DDR4 अब वहाँ पर उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है 1,00,000 से ऊपर के बजट के अगर ज्यादातर पीसी बनते हैं तो। बाकी बात करें यहाँ पर हमारे कूलिंग के बारे में तो हमने यहाँ पर एयर कूलर का यूज करा है जो कि आ जाता है डीपकूल की तरफ से उनका AG400 व्हाइट वाला वर्जन, हमने इसका ARGB में यूज करा है, ब्लैक व्हाइट दोनों में आता है। देख सकते हो कैबिनेट व्हाइट कलर की है तो कूलर भी हम लोगों ने यहाँ पर व्हाइट कर रखा है तो उससे क्या है कि मतलब मैच होता हुआ चल रहा है तो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखने में। बाकी ARGB फैन मिलता है जो कि पूरा जो है पीसी से तो हमारा यहाँ पर सिंक हो ही रखा है, मदरबोर्ड के थ्रू भी आप सिंक करके इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो। रैम के बारे में बात करेंगे तो टोटल 32GB का यूज करा है, गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग तीनों कामों के हिसाब से परफेक्ट रहेगी, 5200 MHz की पर क्लॉक, कॉर्सर की वेंजेंस DDR5 सही रहेगी हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। ग्राफिक्स कार्ड के लिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है ट्रिपल फैन काफी बढ़िया यहाँ पर गीगाबाइट की तरफ से उनका RTX 4060 Ti एंड दिस इज ईगल वाला वर्जन एंड इसमें ना आपको ट्रिपल फैन मिल जाते हैं और हीट सिंक आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी 4060 Ti ऐसा कार्ड है आपको 2K पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर गेमिंग करा देता है काफी सारे गेम्स, डिपेंडिंग ऑन कुछ गेम्स आप यहाँ पर 4K में भी खेल सकते हो। अब स्टोरेज के लिए गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक SSD का यूज करा है जो कि है क्रूशियल की तरफ से उनकी P3+1TB की Gen4 M.2 NVMe SSD, इसके अंदर विंडोज चलने का भी अच्छी खासी स्टोरेज हमें देखने को मिल जाएगी। बात करें इस पावर सप्लाई के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पर डीपकूल की तरफ से उनकी PK650D यूज करी है, बहुत सारे पीसी बिल्ड्स में यूज करी है, परफेक्ट रहती है अगर आपका मीडियम बजट का यहाँ पर पीसी बिल्ड कर रहे हो, 4060 ऐसे कार्ड लगा रहे हो तो PK650D 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आती है, ओवरऑल एक बढ़िया पावर सप्लाई हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। अच्छा फाइनली गाइस बढ़ते हैं कैबिनेट की तरफ, व्हाइट कलर की कैबिनेट जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। सो ये है गीगाबाइट की उनकी C301 ग्लास व्हाइट, ब्लैक व्हाइट दोनों वर्जन में आती है, काफी बार आपको दिखाई है मैंने यहाँ पर। 4 पिन इंस्टॉल ARGB फैन मिल जाते हैं, 3 फ्रंट में एक रियर में एग्जॉस्ट के लिए, फ्रंट में आपको मेश भी मिल जाती है तो एयर फ्लो बढ़िया रहता है हमारी कैबिनेट के अंदर और ओवरऑल जो है देखने में ऐसी लगती है काफी स्पेशियस है। टॉप पर 360mm के रेडिएटर को भी माउंट कर सकते हो तो ये सब कुछ फीचर्स है जो कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इस कैबिनेट को काफी बढ़िया यहाँ पर बना देता है। बस तो गाइस यही था पूरा हमारा 1,05,000 रुपए का पीसी बिल्ड, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी गाइस जितने भी कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज करे इन सब की जो लिंक्स है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्राइसिंग को यहाँ पर चेकआउट करना हो और जो लेटेस्ट प्राइसेस है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, जब भी देख रहे हो उस टाइम पर क्या इनकी लेटेस्ट प्राइसेस चल रही है तो अगर आपको देखनी है तो नीचे आपको लिंक्स देखने को मिल जाएगी। बाकी कॉन्टैक्ट करने के हमको तरीके सारे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दिए थे, सब कुछ सारी डिटेल्स आपको हमारी नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।